अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको भांग के बारे में बताएंगे कि भांग को कैसे खिलाते हैं। आपने तो यही सुना होगा कि भांग पीते हैं, पाकिस्तान में तो भांग पी जाती है, लेकिन भांग खाई भी जाती है। खाए खाते कौन है हर गोश। तो ये भांग एक दौर था कि ये गैर कानूनी पौधा था, अब बाकायदा तौर पर शायद हुकूमत ने भी इसकी इजाज़त दे दी है और सारी दुनिया में इसकी काश्त हो रही है। इसमें इसके बहुत ज़्यादा मेडिकली फ़ायदे हैं। तो मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अमेरिका में शायद ये पता नहीं सारी दुनिया में, जिसे याद नहीं था, $25 अरब की तजारत हो रही है भांग की, मतलब बाकायदा तौर पर काश्त की जा रही है। पाकिस्तान में भी अब ये गवर्नमेंट ये प्रोग्राम बना रही है कि ये काश्त की। इसमें कुछ किस्में होती हैं, अब किस्में कौन कौन सी हैं इसके बारे में तो हमें इल्म नहीं है। कुछ किस्में होती हैं जिनमें नशा जो होता है वो बहुत कम होता है और कुछ में ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से जिनमें कम होता है वो शायद दवाइयाँ बनाने के लिए वो उनका बाकायदा तौर पर ना काश्तकारी कागज दुनिया में हो चुका है। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे कि हम जिक्र करते हैं हर गोशों के हवाले से कि हमें मुख्तलिफ़ मसाइल का एक फार्मर को अपने फार्म में मतलब मसाइल का सामना रहता है, तो उनसे नबज़ आजमा होने के लिए कुछ ना कुछ टोटके पटाखे या कुछ ना कुछ खुराक में कुछ तब्दीली या माहौल में बेहतरी, ये सारे मामला करने पड़ते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह हम लूसन इस्तेमाल करते हैं, कौन सी फीड इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो लहसुन का इससे पहली वीडियो में बताया था, तो आज ये भांग का आपको बताते हैं कि भांग के भी बड़े फ़ायदे हैं हर गोशों में। तो ये कारी साहब ने बताया था कि ये भांग के फ़ायदे होते हैं, तो उस वक्त आपने इस पर तजर्बा किया, तो उस वक्त पहले भी हमने हर गोशों को ये खिलाई है, आज अभी फिर दोबारा से खिलाना शुरू किया। क्योंकि जिनमें मसाइल आ रहे थे वो जब हमने गूगल किया कि भांग के क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसमें 3-4 बड़ी ज़रूरी चीज़ें मतलब हमें सामने आई। एक तो एग्जाइटी या आप कह लें टेंशन या स्ट्रेस, ये इसे उसमें रिलीफ देती है, मतलब कि ये थोड़ा सा नशावर होने की वजह से ना जानवर में जो जैसे हमने एक ये पहले बैड मतलब वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये है कि जो उसके स्ट्रेस वाले दिन होते हैं जब उसमें हार्मोनल चेंज आ रहा होता है तो तनाव का शिकार होती है ये मादा, तो उस वक्त ये भांग का इस्तेमाल इस पर तजर्बा करने के बाद मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ कि उस वक्त भांग का इस्तेमाल उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कि क्योंकि उससे उसकी एंग्जाइटी या टेंशन या स्ट्रेस कम होती है। तो इसके अलावा जो इनका ब्लड प्रेशर का मसला बनता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में भी ये भांग जो है ये मुफीद साबित होती है। इस तरह इनका गैस का मैदे का मसला बनता है अक्सर हर गोशों में, तो वो भी गूगल पे लिखा हुआ है कि उसमें भी ये काफ़ी कह रहे कि मावन साबित होती है जो इनके GI ट्रैक्ट के मसाइल होते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो मसाइल होते हैं, यानी बड़ी आँख के मसाइल या मैदे के मसाइल ये सारे, तो इनमें भी ये जो है ना बड़ा मुफीद साबित होती है। उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, यानी कि जो जलन या तकलीफ़ के जो मसाइल होते हैं जानवर में वो कई वजूहत की वजह से भी हो सकते हैं, तो उनमें भी ये जो भांग है ये बड़ी मुफीद है कि जलन के या दर्द के जो मसले होते हैं जानवर में उसमें ये रिलीफ देती है उन्हें भांग। तो अभी हमने ये शुरू किया है, शुरू करने का तरीका ये है कि हमने भांग बाई आम लगी होती है ये काट ली है, वो काटिए जो भी ज़्यादा बड़ी ना हो जल्दी इसके तहने वगैरह ये सारी खा सकें, तो वो काट के हमने उसे धो लिया, धो के हमने उसे धूप में खुश किया कि 2 दिन शायद धूप में रखा तो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई। तो ये देखें ये भांग है, ये इसका पौधा, तो ये देखें ना ये इसके पत्ते हमने उतार लिए हैं, पत्ते इसके उतार के हमने ये इस बर्तन में डाल देते हैं, तो ये बर्तन आपके सामने है, तो इस बर्तन में ये पत्ते खा लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि पत्ते में ज़्यादा फालियत होती है। वैसे हमने ये कल से शुरू की हुई है, कल हमने टहनियाँ रखी थी इन्हें, तो ये खरगोश क्योंकि ज़्यादा रात को खाते हैं, पीते भी ज़्यादा रात को हैं, गर्मी का मौसम है इसलिए, तो सुबह वो टहनियाँ ये सारी खा गए थे। तो वैसे हमने ये बर्तन मिट्टी के बनवाए हैं, ये मैं मिट्टी का बर्तन भी आपको दिखा देता हूँ, ये मिट्टी का बर्तन है, तो ये देखिए हमने 70 रुपये का एक बनवाया स्पेशल इनके लिए, तो ये इसमें पानी भी डालते हैं, ठंडा रहता है पानी, और ये इसके साथ मार के बैठ भी जाते हैं तो ये भी ठंडे रहते हैं गर्मी में, तो इसमें हमने ये भी इन्हें डाल दिया। ये देखिए ये सारे भांग के पत्ते हैं, तो ये इसने ये अभी हमने भरे हैं, तो वैसे ये खा जाते हैं जो हमारा तजर्बा है, कल हमने डाले थे, अभी ये देखें ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें ये पत्ते काफ़ी सारे खा गए, आधे पत्ते रह गए, तो ये रात को जो है ना ये भी खा जाएंगे। तो ये टहनियाँ भी खा जाते हैं अगर वो ज़्यादा मोटी ना हो। तो ये भांग के जो है ना फ़ज़ाइल आप कह लें जो भी है ये हमने बयान किए हैं, इतना गिलम था कि गूगल से देखा 4-5 चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि जिससे ये जानवर के लिए मुफीद है। सीज़र होता है, सीज़र
अब सीजर शायद हार्ट अटैक कहते हैं, किसी को कहते हैं, अमेरिकी को कहते हैं, पर सीजर एक लफ्ज़ है वो भी लिखा हुआ था कि सीजर में भी ये मुफीद साबित होती है, बांग सीजर नहीं होता। इसके अलावा तो अगर हम तफसील में जाएँ या विकीपीडिया वगैरह पर जाकर देखें तो बांग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पर ये मोटे मोटे हमने ये बताया कि जलन पेन की जो तकलीफ़ होती है, गैस के मसाइल इनमें होते हैं, उसके अलावा आप कह रहे हैं ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं और एग्जाइटी या टेंशन या स्ट्रेस जो है इनमें, वो इनको इनके लिए मामन साबित होती है बांग। तो हम तो चाहते हैं कि ये हमारा जो फार्म है ये अच्छे तरीके से चले, जानवर को तनाव कम हो और जो शरह मवाद है वो कम हो, सारे मसाइल से चलते रहे, ये फंगस पैदा का मसला, हार्ट अटैक का मसला, उसके अलावा जो इनका ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, गैस के मसाइल रहते हैं सारे, ये कम से कम हो या ना ही हो। तो उसके लिए हम ये पहले वो लहसुन का पानी भी दिया या बांग शुरू की, ये सारे मामला हैं। तो इसलिए करते हैं कि ये हमारा फार्म मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो ठीक तरीके से चलता रहे। तो ये हमारी एक कोशिश है, एक काविश है, तो ये आपसे शेयर की है। अब ये बांग खा जाती हैं ये तो हमें कन्फर्म हो गया। तो इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं, ये एक दो हफ़्ता खा के भी अगर ये वेट लूज नहीं करते, ग्रोथ इनकी अच्छी होती है और ये बीमारियां हम महसूस करते हैं कि इनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हुई है ये बीमारियों से, जैसे कि कोई पहले बीमार हो रहा था तो अब वो नस्बता नहीं हो रहा। तो ये फिर सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसमें हमें कोई एक या दो हफ़्ता लग जाएगा इसका पंखा बकायदा तौर पर रिज़ल्ट आपको बताने में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पंख पे, इसे कहते हैं इंग्लिश में कैना बीस शायद, तो कैनाबीस की वीडियो थी। जैसे मैं पढ़ रहा था कि भांग का जो होता है ना दाना, ये बीज, उसमें प्रोटीन काफ़ी होते हैं, वो अगर हम उसका ऑयल निकालें तो वो इंसान अपने खानों में भी इस्तेमाल कर सकता है, वो फ़ायदेमंद होता है। पर वो तो एक अलग टॉपिक है। तो जानवरों के हवाले से भांगे वाले से आज हमारी ये वीडियो थी, खरगोशों में खरगोश भांग खा लेते हैं, फ़ायदे काफ़ी सारे बताए गए इंटरनेट पर, इसके अब जो रिज़ल्ट आते हैं वो इंशाल्लाह आपसे एक दो हफ्ते बाद दोबारा शेयर करते हैं। तब तक के लिए मैं इजाज़त, मिलते हैं कल नई एक वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।